नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अड्डा 247। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आपके साथ पिछले एक हफ्ते से लगातार एसएससी करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं, और इन करंट अफेयर्स के क्रैश कोर्स में हम ऑलरेडी आपके साथ अक्टूबर से लेके मई तक के करंट अफेयर्स को कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो अगर आपने उतना पढ़ लिया हो और उसको एक बार रिवाइज कर लिया हो, तो फिर उसके बाद आज हम इस सेशन में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं अगस्त और सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, स्पेशली जो आपको काम आएगा एसएससी और एनटीपीसी एग्जामिनेशंस के लिए। हालांकि ये करंट अफेयर्स विल ऑल्सो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल अदर एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के सेशन में हम लोग अगस्त और सितंबर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिर आ जाते हैं हम लोग स्लाइड्स पे, और आज हम लोग यहाँ पे अगस्त और सितंबर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट अस कम टू द फर्स्ट स्लाइड। सो द फर्स्ट स्लाइड हियर इज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। पहले अगस्त डिस्कस करेंगे, उसके बाद सितंबर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सभी लोगों ने नोबेल प्राइज तो हमारे साथ ही पढ़ाई किया था, राइट? नोबेल प्राइज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या आपने सुना है नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स? नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स को हम फील्ड अवार्ड्स भी कहते हैं, या फिर फील्ड्स मेडल भी कहते हैं। दिस फील्ड्स मेडल इज नोन एज योर नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स। ऑब्वियसली पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में ये नहीं बताएगा कि नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स किसे मिला, ये पूछा जाएगा कि फील्ड्स मेडल किसे मिला। फील्ड्स मेडल मिला है अक्षय वेंकटेश को, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। तो यहाँ पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्षय वेंकटेश। इनके अलावा द अदर थ्री विनर्स आर ऑल्सो देयर। हालांकि आपको एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में ऐसे इस तरीके से रखा जाए कि अक्षय वेंकटेश वोन द फील्ड्स मेडल, जो कि आपका नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्लाइड में हम आ जाते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंटेड गवर्नर्स ऑफ 7 states। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि क्या मुझे सारे के सारे गवर्नर्स पढ़ने हैं। इट इज़ वेरी गुड इफ़ यू कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम। इफ़ यू कांट, तो फिर जो रीसेंट चेंजेस हुए, जैसे अगस्त में यहाँ पे रीसेंट चेंजेस हुए हैं 7 states के, तो जो रीसेंट चेंजेस हुए उन्हें कम से कम आपने याद रखना होगा। कौन से 7 states में हुआ? यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो एक बार हम लोग सभी गवर्नर्स को जो कि चेंज हुए हैं यहाँ पे उनको देख लेते हैं, क्योंकि वही से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गवर्नर सत्यपाल मलिक, सबसे पहले सत्यपाल मलिक ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिहार टू जम्मू एंड कश्मीर टू रिप्लेस एन वोहरा। तो यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए गवर्नर ऑफ बिहार, तो आपका आंसर अब जो है सत्यपाल मलिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सत्यपाल मलिक अब कहाँ के गवर्नर है? जम्मू एंड कश्मीर के। वेरी इंपॉर्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, ना कि एन वोहरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब बिहार के कौन होंगे ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो सीनियर बीजेपी लीडर लालजी टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ बिहार। तो बिहार में कौन है? यहाँ पे लिखते जाइए जो जो शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लालजी टंडन, एटलीस्ट इतना आप लोग यहाँ पे ज़रूर लिखते जाइए। ठीक है, आपने देखा जेई में भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर से, नहीं तो सीएम से। तो जो रिसेंटली चेंज हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कप्तान सिंह सोलंकी द गवर्नर ऑफ हरियाणा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू त्रिपुरा। तो अभी अगर आपको पूछे कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के गवर्नर है, आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा का। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्या। सत्यदेव नारायण आर्या हरियाणा के गवर्नर है। त्रिपुरा के कौन है? तथागता रॉय, जो कि त्रिपुरा के गवर्नर थे, उनको अब मेघालय का गवर्नर बना दिया गया। एंड गंगा प्रसाद, जो कि मेघालय के थे, उनको सिक्किम का बना दिया गया। और बेबी रानी मौर्या, उनको जो है न्यू गवर्नर ऑफ उत्तराखंड बना दिया गया। प्लीज़ राइट दिस नेम डाउन, इनको आप ज़रूर लिख के एक बार याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन गवर्नर के लिस्ट में से एक गवर्नर आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर तो ज़रूर याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ 72 इंडिपेंडेंस डे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड कितने गैलेंट्री अवार्ड्स? 131 गैलेंट्री अवार्ड्स, जिसमें से
कीर्ति चक्र जो है आपको लगभग हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में आपको पूछा जा सकता है। तो कीर्ति चक्र यहाँ पे किसे मिला? सिवपोई ब्रह्मापाल सिंह को यहाँ पे जो है कीर्ति चक्र मिला है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ज़्यादा देख के घबराइएगा मत, एकदम सिंपल करके हम इसको पढ़ेंगे। आयुष्मान भारत के बारे में आप लोगों ने सुना है, अभी आयुष्मान भारत का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 करोड़ फैमिली, मतलब अगर एक फैमिली में अगर आप मान लीजिएगा एवरेज 5 लोग हैं, तो 50 करोड़ लोगों तक ये हेल्थ स्कीम पहुँचाना हम लोग चाह रहे हैं। और हर साल जो है यहाँ पे 5 लाख जो है पर फैमिली यहाँ पे मिलने की बात हुई है और मिल भी रही है काफ़ी फैमिलीज़ को। तो क्या याद रखना है? आयुष्मान भारत का अभी नाम क्या है? जन आरोग्य अभियान। CCEA chaired by Prime Minister Narendra Modi gave its approval for implementing an umbrella scheme. क्या नाम है? Ocean Services Technology Observations Resources Modeling and Science. OSMART full form आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। Services Technology Observations Resources Modeling and Science. Next देखिए, नीति आयोग ने लॉन्च किया है मोवे हैक। अब ऑब्वियसली हैक लगा हुआ है तो क्या होगा? ये आपका एक मोबिलिटी हैकाथॉन है। ठीक है, देखिए बहुत लोगों ने ये किया था कि EVM में भी क्या पता कुछ हैक हो सके, तो वहाँ भी एक हैकाथॉन शॉट हमने करके ये प्रूफ किया था कि हाँ EVMs में जो है आपका कोई घोटाला नहीं है। द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड 122 न्यू रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जिसमें से आपको एक ज़रूर याद रखना है, इम्प्रिंट टू स्कीम। क्योंकि इम्प्रिंट टू स्कीम क्या है? इसके तहत हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर डोमेन्स को हाई एडुकेशन में काफ़ी अच्छे से और करने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या क्या याद रहा आपको, दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। आयुष्मान भारत, मूव हैक एंड इम्प्रिंट टू। नेक्स्ट, ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इन्होंने एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम है DND 2.0 एंड माई कॉल विथ उमंग। उमंग के साथ मिलके बनाया है और उमंग का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। तो यहाँ से बेसिकली फुल फॉर्म्स पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक चीज़ यहाँ पे बनाया है, एक नया प्रोजेक्ट है, डेट इज़ स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जिसका नाम क्या है? स्वयं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वयं का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज को देख लेते हैं। INS सह्याद्री के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या चीज़ है? एंटर द पोर्ट ऑफ डार्विन ऑस्ट्रेलिया, और कौन से आपके एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है? ककाडू एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में ये आपका स्टार्ट हुआ था, और ये जो है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स दोनों के सपोर्ट से ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे डार्विन एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो है उसको हम क्या कहते हैं? नेक्सा। ठीक है, तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि INS सह्याद्री ने ऑस्ट्रेलिया में जो आपका ककाडू हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया है। नेशनल हैंडलूम डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 9 अगस्त को। और वर्ल्ड बायोफ्यूअल डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को। तो याद रखिएगा, पहले आपने हैंडलूम से कपड़ा बनाया, फिर आप वर्ल्ड के इंडिजिनियस पीपल से मिलने गए, किस में बैठ के? बायोफ्यूअल से चलने वाली टैक्सी में बैठ के। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्रिकेटर VVS लक्ष्मण, नोन फॉर सपलनेस ऑफ हिज रिस्ट्स, हैज पेन डाउन हिज ऑटोबायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो बुक है 281 एंड बियॉन्ड किसने लिखा है? VVS लक्ष्मण ने लिखा है। नेक्स्ट बुक है अटल जी ने कहा, तो ये बुक किसने लिखा है? ब्रिजेंद्र रही ने लिखा है। और जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, किनके ऊपर होगा ये बुक? प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल पावर्ड फ्लाइट, यानी कि अभी हम लोग बायोफ्यूल के बारे में बात कर रहे थे और बायोफ्यूल से आप यहाँ पे फ्लाइट उड़ा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आपने इसको उड़ाया? देहरादून से दिल्ली तक आपने इसको यहाँ पे उड़ाया, तो इसने जो है यहाँ पे दिल्ली में लैंड किया। द फ्लाइट टेस्ट वॉज सक्सेसफुली कम्प्लीटेड बाई स्पाइस जेट। यह टेस्ट किसने कम्प्लीट किया? स्पाइस जेट ने। अच्छा, देहरादून एयरपोर्ट को हम क्या कहते हैं? जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ठीक है। देहरादून एयरपोर्ट का नाम है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ये भी पूछा जा सकता है। जब हम लोग लास्ट क्लास में लोकपाल के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ये तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट रिसेंटली एक बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। कौन सा बॉडी, कौन सा अमेंडमेंट? तो ध्यान रखिएगा, 123rd अमेंडमेंट के तहत अगर आपको पूछे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आपको याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, ये भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 123rd अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। बहुत लोग असम में टिक लगा देंगे, बट ये सिक्किम में है, ठीक है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है, डेजिग्नेटेड है, ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में है, ठीक है। तो अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बाद अब हम चलते हैं सेप्टेम्बर के महीने में। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड अनाउंस किए गए थे। अब SSC का क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे बैंक में तो पूछ लेता है कि हाँ किस किस को इस साल मिला, बट SSC का अगर आप लोग एक पेपर देखेंगे तो किस किस को मिला ये भी पूछा जा सकता है, तो वो आपकी श्रद्धा है, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादातर वो क्या पूछते हैं कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब पूछते हैं कि अर्जुना अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो 4 साल जो है बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपने दिया तो आपको अर्जुना अवार्ड मिल सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड काफ़ी बार पूछा गया है, किस चीज़ के लिए? कोच के लिए, वेरी गुड कोच उनको दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये किस लिए दिया जाता है? ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही दिया जा सकता है, जहाँ भी आपको स्पोर्ट्स का प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा हो। एंड फाइनली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मका ट्रॉफी ये किस लिए दिया जाता है? ये यूनिवर्सिटी लेवल में दिया जाता है, टॉप परफॉर्मिंग जो भी आपका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा उस लेवल में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोच को दिया जाता है। अब यहाँ पे लिस्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 कितने लोगों को मिला, क्या क्या मिला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हमें लगता है एग्ज़ाम में इन दोनों में से ही पूछा जाएगा। मीराबाई चानू को वेटलिफ्टिंग के लिए मिला और विराट कोहली को क्रिकेट के लिए मिला। JEE में पूछा जा चुका है बहुत सारे शिफ्ट्स में, आगे भी बिल्कुल यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स में से भले ही आप सब ना करें, फिर भी क्रिकेट के लिए ज़रूर कीजिएगा, तारक सिन्हा को मिला है। हॉकी के लिए ज़रूर कीजिएगा, हॉकी में यहाँ पे किसको मिला है? क्लेरेंस लोबो को यहाँ पे मिला है। और वेटलिफ्टिंग के लिए जो है विजय शर्मा को मिला है, ठीक है। और आपको राजीव गांधी खेल रत्न तो ज़रूर से याद रखना है। नेक्स्ट सितंबर से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि IPPS क्या है फुल फॉर्म? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट पेमेंट बैंक को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 1st of September को यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने इसे लॉन्च किया है। ये क्या है? लार्जेस्ट पेमेंट बैंक इन द कंट्री है ये, विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क साइज, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विथ 100% इक्विटी ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% इक्विटी ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? आंसर IPPS, दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशियन गेम्स से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एक शिफ्ट में। अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ अब पढ़ लीजिए। 18th एशियन गेम्स कहाँ हुआ? जकार्ता में हुआ और पालेमबंग में हुआ, इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जकार्ता, पालेमबंग जो भी दिखे ऑप्शन में,
दोनों में से जो भी दिखे वो आपका सही है, हो सकता है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग हो, और इंडोनेशिया दिखे तब तो क्या बात है। अब यहाँ पे 69 मेडल्स, 15 गोल्ड, 24 सिल्वर एंड 30 ब्रोंज, यहाँ पे इतने मेडल्स जो है टू सप्रेस द मेडल काउंट फ्रॉम 2010 गेम्स, जो कि आपका चाइना में हुआ था, और यहाँ पे हमको जो है इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं। द गेम्स गॉट अंडर वे विथ नीरज चोपड़ा जो है यहाँ पे फ्लैग बियरर थे, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, फ्लैग बियरर कौन थे, नीरज चोपड़ा, और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, स्पेसिफिकली पूछा जाता है रानी रामपाल, यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर का नाम आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब ऑब्वियसली फर्स्ट एशियन गेम्स, क्योंकि फर्स्ट तो SSC का फेवरेट है कि फर्स्ट क्या है, हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, सुपरलेटिव्स में बहुत ध्यान देते हैं। सिपाक टकराव में हम लोगों ने पहला मेडल इस बार इंडिया ने पहली बार हासिल किया है। इट इज़ लाइक अ वॉलीबॉल बट जिसमें आपका किक वगैरह भी अलाउड होता है, वैसे तो वॉलीबॉल हाथ से खेलते हैं ना, बस में किक करके भी आप वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इट इज़ सिपाक टकराव, इसमें भी आपका यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया को मेडल मिला है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एशियन गेम्स गोल्ड इन शूटिंग, कौन है, राही सरनोबात है। विनेश फोगट फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने रेसलिंग, आपने वो मूवी देखा होगा जिसमें आमिर खान बॉक्सिंग के लिए ग्रूम कर रहे थे, रेसलिंग के लिए ग्रूम कर रहे थे अपने दोनों बेटियों को, गीता फोगट बबीता फोगट, राइट, तो आपने देखा होगा, तो आमिर खान का वो मूवी कौन सा मूवी था ये आप बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे जो है विनेश फोगट फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन रेसलिंग है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है। इट वॉज फर्स्ट टाइम दैट इंडियन कबड्डी टीम कुड नॉट विन गोल्ड, पहली बार के लिए हम लोगों को यहाँ पे गोल्ड नहीं मिला। स्वप्ना बर्मन जो है यहाँ पे फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने एशियन गोल्ड इन वुमेन्स हेपथेलॉन इवेंट में गेन किया है, और नीरज चोपड़ा यहाँ पे फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोवर जिनको यहाँ पे गोल्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। दूती चंद जो है उन्होंने फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट मेडल इन 20 ईयर्स इन अ वुमेन्स 100 इवेंट, और यहाँ पे बजरंग पुनिया, क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बजरंग पुनिया कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, ये पक्का पूछा जाएगा, तो बजरंग पुनिया रेसलिंग से एसोसिएटेड है, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे लेके आए हैं, और न्यूयॉर्क सर्कल में भी यहाँ पे इनको जो है रेसलिंग करने के लिए इन्वाइट किया गया है। नाम देख लीजिएगा, रानी शरनोबट एस फॉर शूटिंग, विनेश फोगट, तो आपको गीता फोगट बबीता फोगट रेसलिंग पहले से पता होगा तो विनेश फोगट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्वप्ना बर्मन यहाँ पे आप याद रखेंगे हेप्टाथलॉन के लिए, और नीरज चोपड़ा आपको पता ही होगा जेवलिन थ्रोवर, इसके अलावा बजरंग पुनिया का नाम ज़रूर याद रखिएगा रेसलिंग में। एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिवाइज। फोर्थ बिम्स्टेक काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है, बिम्स्टेक समिट का, कहाँ पे हुआ, वो आपका काठमांडू में हुआ। इंडिया और US ने यहाँ पे 2+2 टॉक्स को कंप्लीट किया है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि ग्लोबल स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में अच्छे रिश्ते बना के रखें। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे सर्बिया माल्टा और रोमानिया विजिट किए, हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि उन्होंने अफ्रीका में भी काफ़ी सारी जगहों में मलावी वगैरह विजिट किए, वो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे और थ्री नेशन एक बार ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी रिसेंटली इंडिया विजिट किए थे, तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में जो उसके स्टेट लेवल में लॉन्च हुआ है। आसाम के गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि चाय के बगीचे में जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको जो है एक 12,000 रुपये का यहाँ पे लमसम अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। यूनियन, अच्छा, अभी जितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था day 5 में कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो अपडेटेड लिस्ट है उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेशली फिनेंस के लिए, डिफेंस के लिए जहाँ जहाँ चेंज हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू देम वंस, ओके। एनीवेज, यहाँ पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वायु, दैट इज़ विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट जो है ट्रैफिक जंक्शंस में लगाने की बात कही जा रही है।
इन एन अटेम्प्ट टू कॉम्बेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज क्राइम, जहाँ पे एक इंसान को उठा के एक जगह से दूसरे जगह बेच दिया जाता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्कीम निकाला है स्वयं सिद्ध। और यहाँ पे क्या होगा, स्वयं सिद्ध में वो कोशिश करते हैं ताकि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी आपका पुलिस स्टेशंस हैं उनके साथ एक आपका टाई अप करके जो है यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जी को यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर मिला। एक और ऑनर के बारे में हमने डिस्कस किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बताइएगा कौन सा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हम लोगों ने बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। प्लास्टिक का यूज़ हम लोग पूरी तरीके से बंद करना चाह रहे हैं 2020 तक, इसके लिए हमने प्लेज लिया है। करंट सिनेरियो ये है कि अभी भी हम लोग चाइना से सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिक इम्पोर्टर के मामले में, अभी भी हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्लास्टिक इम्पोर्टर, मतलब बना रहे हैं वो भी एक अलग चीज़ है, इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे इसको अवार्ड मिला है सस्टेनेबल एनर्जी के यूज़ के लिए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एग्जाम, ज़रूर पूछा जाएगा। कहाँ पे एयरपोर्ट ये इनॉग्रेट किया है? न्यू एयरपोर्ट एट झारसुगुड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया है ताकि मिनरल रिच एरिया है यहाँ पे, लोगों का और इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। नेक्स्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? ज़रूर पूछेगा, ऑलरेडी पूछा जा चुका है काफ़ी सारे एग्जाम्स में, सिक्किम में है। और ये जो आपका पाक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम है वो 24 सितंबर को जो है यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, सो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, कुछ फेस्टिवल आपको पूछा जा सकता है कि नौखाई कहाँ का फेस्टिवल है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नौखाई जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, BSNL या फिर भारत संचार निगम लिमिटेड के एम्बेसडर कौन है? तो आपने मेट्रो के स्टेशन में देखा होगा पोस्टर लगे हुए, सो मैरी कॉम इज दी एम्बेसडर। इंडियाज एस स्प्रिंटर हिमा दास, इनका निकनेम क्या है? UPPSC में पूछा गया था, कमेंट करके बताइएगा निकनेम क्या है, कोई एक्सप्रेस है कि क्या है? ठीक है, बहुत ट्रेन दौड़ती है शताब्दी एक्सप्रेस की तरह, तो कोई एक्सप्रेस है कि निकनेम क्या है ये बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको जो है स्पोर्ट्स एम्बेसडर ऑफ असम यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट, नाओमी ओसाका, ये पहली जापानीज महिला बनी है, पहली जापानी महिला जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल को यहाँ पे हासिल किया है। और इन्होंने जो है सेरेना विलियम्स को भी यहाँ पे आफ्टर शी रजिस्टर्ड एन एम्पैथिक विन ओवर सेरेना विलियम्स, उनको भी हरा दिया है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी ने क्या किया है? जर्मनी ने यहाँ पे रोल आउट किया है विश्व का पहला ऐसा ट्रेन जो किस चीज़ पे चलता है, हाइड्रोजन पे चलता है, मतलब कोयले पे चलता हुआ ट्रेन आपने देखा, इलेक्ट्रिसिटी पे देखा, अब हाइड्रोजन पे, ठीक है, हाइड्रोजन पे चलने वाला ट्रेन। 3-day वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस यहाँ पे कहाँ पे हुआ? शिकागो में हुआ, US में हुआ। थीम क्या था? थिंक कलेक्टिवली अचीव वैलियंटली। सेकेंड एडिशन हुआ नेपाल और चाइना का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या था? माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज 2019। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, आपका दोस्त अगर आपके नॉट सो दोस्त से ज़्यादा दोस्ती कर लेता है तो आपको शायद अच्छा नहीं लगता है। अब नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना है, माउंट एवरेस्ट फ्रेंडशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सागरमाथा फ्रेंडशिप 2018 कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा दुख पहुँचे। नेक्स्ट, रशिया लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर, जिसका नाम क्या है? वोस्टॉक 2018। वोस्टॉक 2018 किसने लॉन्च किया? रशिया ने लॉन्च किया। नेक्स्ट देखिए, इंडो कजाकिस्तान जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज, कैसे ब्रेक डाउन करना है मैंने आपको बताया था, कज इज फॉर कजाकिस्तान, IND इज फॉर इंडिया, तो आपको पता है इंडिया एंड कजाकिस्तान। इंडियन नेवी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट has arrived in Sri Lanka to take part in SLINX, SLI, यहाँ पे SL जो है वो श्रीलंका और IN is for India exercise। तो हमेशा exercise को इस तरीके से आप break down कर सकते हैं। Okay, तो next अभी हम लोग कुछ important ranks यहाँ पे देख लेते हैं। Times Higher Education rank किसको मिला है? World University Ranking 2019, ऑक्सफोर्ड को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है। और टॉप लिस्ट में जो है हमारे इंडिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हालांकि उसके बाद IIT मद्रास है,
बट एनी वेज तो ऑक्सफोर्ड कंटिन्यूज टू होल्ड द फर्स्ट प्लेस, उसके बाद कैम्ब्रिज और उसके बाद स्टैनफोर्ड. नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन एडुकेशन एंड हेल्थ केयर के मामले में जो एक साइंटिफिक स्टडी हुआ, इंडिया का रैंक कितना है? 158. मतलब सारा इन्वेस्टमेंट एक तरफ और हमारे यहाँ पे एडुकेशन का इन्वेस्टमेंट एक तरफ, जिसमें हमारा रैंक है 158. आगे चल के ज़रूर इंक्रीज़ होगा, बिकॉज अभी हमने आयुष्मान भारत में भी जो है टारगेट किया है 5 लाख देने का टू 10 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज. आंध्र प्रदेश हैज टॉप्ड द चार्ट्स अमंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स. आप लोगों को पता होगा कि रहना कहाँ पे सबसे आसान था, आंध्र प्रदेश में, राइट? तो उन्होंने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के नंबर में भी आपका आंध्र प्रदेश काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ होते हुए हमको नज़र आया था. नेक्स्ट इज योर इम्पॉर्टेंट डेज, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. शुरू करते हैं यहाँ पे 30th of September से, क्योंकि अक्टूबर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, स्टिल एक रिविजन जैसा हो जाएगा. 30th of September में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? फीस्ट ऑफ सेंट जेरोमी, जो कि थे द बाइबल ट्रांसलेटर हु कंसिडर्ड द पेट्रॉन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स. तो यहाँ पे 30th September को इसको सेलिब्रेट करते हैं. यूनाइटेड नेशंस इज डेजिग्नेटेड 1st Monday ऑफ अक्टूबर ऑफ एवरी ईयर एज वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैम्पियनशिप, कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, ताकि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स बनाए रखना चाहिए, 1st of October को सेलिब्रेट करते हैं. हार्ट डे 29th September को सेलिब्रेट करते हैं. रेबिस डे, जो कि आपका डॉग या फिर मॉन्की के काटने के से उनका सेलाइवा से आपको स्प्रेड हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी को रेबिस का इन्फेक्शन होता है तो. इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8th of September को, वेरी इंपॉर्टेंट. और इस बार का स्किल आपका क्या था, थीम क्या था? लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट. नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं. रीमा दास के बारे में बात किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट. विलेज रॉकस्टार नामक जो आपका एक अवार्ड विनिंग फीचर फिल्म था, तो उसके लिए उनको यहाँ पे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी एट 91st एकेडमी अवार्ड्स उनको यहाँ पे जो है अवार्ड मिला है. तो बिल्कुल याद रखिएगा, रीमा दास विलेज रॉकस्टार. नेक्स्ट इज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट 2018 कहाँ हुआ था? तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो कि कहाँ है? कैलिफोर्निया, USA. त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार दास, हम लोग अगस्त का पढ़ रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा. उन्होंने जो है एक इनॉग्रेशन किया था, इसरोस फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर को उन्होंने इनॉग्रेट किया था. नेक्स्ट अप्सरा क्या है? यहाँ पे वो परी अप्सरा वाला नहीं है, अप्सरा फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर इन एशिया है, जो कि आपका ऑपरेशनल कहाँ पे होगा? ट्रॉम्बॉय कैंपस ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो ये आपका रिएक्टर है, रिसर्च रिएक्टर है, जिसका नाम है अप्सरा, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग कुछ बुक्स एंड ऑथर्स में आते हैं. बेस्ट सेलिंग ऑथर जो है आपका प्रीति शिनॉय, उन्होंने अपना न्यू बुक का नाम क्या रखा है? द रूल ब्रेकर्स. तो रूल ब्रेकर्स किसने लिखा है? प्रीति शिनॉय. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को यहाँ पे जो है अबॉलिश किया है. 377 क्या है? होमोसेक्सुअलिटी इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रिमिनलाइजेशन उसका यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर, सुना है? अगर नहीं सुना है तो फिर ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका बेस्ड आउट ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद. तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सुनामी के बारे में अगर हमें पहले से जानकारी मिले तो बहुत सारा लाइफ बच सकता है. जैसे कि इस बार आपने देखा उड़ीसा में जो आपका साइक्लोन आया, वहाँ से बहुत जहाँ तक हो सके हमने लाइफ्स को बचाया, राइट. MS बोजे गोदा, ये कौन है? अभी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के ये प्रेजेंट चेयरमैन हैं. हु इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? तो आपने याद रखना है, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ब्रिक्स समिट 2019 कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था.
इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, DRDO के हेडक्वार्टर्स फुल फॉर्म वगैरह पूछा जा सकता है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। मेंस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019 जो है रशिया में, इंडिया कब होस्ट करेगा इसे, इंडिया जो है विल होस्ट दी मेंस चैम्पियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर क्या है, NIC, कब एस्टैब्लिश किया था, 1976 को। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपके डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में रिलेट हो सकता है या फिर पूछा जा सकता है। और इसके साथ हमने आपके साथ अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया है, तो दिस मेक्स इट कम्प्लीट फ्रॉम अगस्त टू मे। तो अगस्त टू मे पूरा करंट अफेयर्स अब आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़रूरत है बस एक बार इसको रिवाइज करने का और कॉन्फिडेंट फील करके एग्ज़ाम में जाने का। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। लास्ट मोमेंट में क्या करे, मॉक्स लगाए ज़्यादा से ज़्यादा और रिवाइज करे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है कूल रहे और कोई भी टेंशन ना ले। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज़ डू रिवाइज द एंटायर करंट अफेयर्स एंड गिव वन मॉक रेगुलरली। मार्क्स को देखिए मत डरिएगा, एग्जाम में जो आना है वो तो आएगा ही, राइट? और अभी आपने जो मेहनत किया है एक साल से दो साल से, इट्स टाइम कि आप उस मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट करें। अपना एडमिट कार्ड वगैरह ज़रूर अच्छे से प्रिंट कर लीजिएगा, फ़ोटो ID प्रूफ ज़रूर कैरी कर लीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लीजिएगा एंड जस्ट फॉलो दी गाइडलाइंस, फील कॉन्फिडेंट एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।